अंसारी हूँ, चाहे मुख्तार अंसारी हूँ, चाहे अतीक अहमद हूँ, हिंदू मुसलमान के जाल में फंसे हुए हैं। वो लड़ाई है हिंदू बनाम मुसलमान, और तीन चेहरे बड़े चर्चा में रहते हैं देश की राजनीति में। इस नाते उनके ऊपर कुछ न कुछ अपना कार्रवाई होती रहती है, चर्चा बनी रहती है। ये 2014 के पहले से होता आया है। कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी का डर दिखाती है, समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाती है, बसपा भी दिखाती है। ये डर दिखा करके मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं। मुसलमानों को जो जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान है, बड़े पैमाने पर वोट कांग्रेस को दिया, बसपा को दिया, सपा को दिया। लेकिन इन लोगों ने इतना बढ़िया इनका विकास किया, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% थे, आज 1% नहीं है। कौन जिम्मेदार है? बीजेपी। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग भय दिखाते हैं बीजेपी का और वोट लेने का काम करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भय दिखाता है उनका साथ छोड़ करके जो मारने के लिए आ रहा उसी के साथ खड़े हो जाए तो कहाँ मारेगा कोई।